आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। निजी नर्सिंग होम बेड उपलब्ध रहते मरीजों को मना करने पर होगी एस्मा के तहत कार्रवाई। कलेक्टर ने कोविड कोर कमेटी की बैठक में कहा कि निजी नर्सिंग होम को कोविड उपचार की अनुमति दी गई है। बेड उपलब्ध रहते मरीजों को मना करने पर संबंधित के खिलाफ एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने ऐसे निजी अस्पताल के विरुद्ध नर्सिंग होम एक्ट के तहत सील करने के भी निर्देश CMHO को दिए। कलेक्टर ने कहा कि कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार में निजी स्वास्थ्य केंद्रों की भी जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है। इन स्वास्थ्य केंद्रों के उपलब्ध बेड को ऑक्सीजन युक्त बेड बनाने के लिए उनको बैंक के माध्यम से भी मदद उपलब्ध कराई जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि अधिक से अधिक वॉलंटियर और ऑक्सीजन सुविधा युक्त बेड बनाने के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। इसके लिए समाज सेवी संस्थाओं की मदद मिल रही है। कलेक्टर ने कहा कि कोविड केयर सेंटर्स में उपलब्ध बेड को ऑक्सीजन युक्त बेड बनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि 10 वॉलंटियर, 16 ICU बेड और 30 कंसंट्रेटर विभिन्न माध्यमों से उपलब्ध कराए गए हैं। कलेक्टर इन उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए CMHO और सिविल सर्जन को आवश्यक व्यवस्था के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि आवश्यकता अनुसार चिकित्सा उपकरणों की खरीद शीघ्र करें। इसके लिए शासन के भंडार क्रय नियम का पालन करते हुए फाइल तत्काल प्रस्तुत करें। खरीदी में विलंब नहीं होनी चाहिए। उन्होंने CMHO से कहा कि वैक्सीनेशन सेंटर में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रहनी चाहिए। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सुरक्षा की दृष्टि से सैनिटाइजर एवं अन्य जरूरी सामानों की कमी ना हो यह सुनिश्चित करें। वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए राज्य स्तर से सतत समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश CHMO को दिए गए हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।